गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स एंड वेलकम इन पांडे कोचिंग सेंटर्स लाइव क्लासेस एंड फिर से आपके सामने एक करियर गाइडलाइंस वीडियो के साथ लाइव अपने चैनल से आया हूं। सो जैसा कि आप सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को पता ही है कि पूरे हिंदुस्तान में 10वीं 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जो है अनाउंस हो चुका है। पहले तो सभी विद्यार्थियों को, जिन भी विद्यार्थियों ने जितने भी परसेंटेज, जितने भी मार्क्स, जो भी स्कोर उन्होंने गेट किया है और अपनी क्लास को उन्होंने पास किया, एक नेक्स्ट क्लास के लिए वो आगे प्रोसीड हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। बट देखिए, जो रिज़ल्ट होता है, रिज़ल्ट के लिए मैं आज बात नहीं करूंगा कि किस स्टूडेंट्स के कितने परसेंटेज आए, किसने फर्स्ट पोजीशन गेट की, किसने सेकंड पोजीशन, कौन स्टेट टॉपर रहा, कौन यू नो CBSE टॉपर रहा, ये इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। बिकॉज जिस स्टूडेंट्स के भी जितने परसेंटेज या जो भी मार्क्स उसके गेट हुए हैं वो सब उसके एफर्ट्स के बेस पे मिले, उसके हार्डवर्किंग के बेस पे उस स्टूडेंट्स को मिले। और आई थिंक मैं तो यही मानता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने जिस परसेंट्स के लिए, जिस टारगेट के लिए उसने मेहनत करी है और जो उसने एफर्ट्स किए, जो उसने अपना सबमिशन किया, वो जो डेडिकेशन उसका था, जिस गोल को सेट करके उसने डे वन अपना क्लास में हार्डवर्क किया, वो उसके सामने रिजल्ट पे रहता है। तो रिजल्ट ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्टूडेंट्स का ज़्यादा कैसे आया, इसका कम क्यों आया, इसका एवरेज क्यों आया, ये सब डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के हार्डवर्क एंड डेडिकेशन पे। बात कर रहा हूँ कि जो अब आपका रिजल्ट आ चुका है, वो तो आ चुका है, उसको अब हम नहीं बदल सकते हैं। बट अब आगे जो नेक्स्ट आपका, जो 10वीं के स्टूडेंट्स हैं वो 11th 12th करेंगे, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन करेंगे, या फिर और भी जो जूनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी नेक्स्ट क्लास में जा चुके हैं, यहाँ पर आपको एक ऐसा टाइम होता है जब रिजल्ट जस्ट आउट रहता है, आउट हो जाता है और आपका जो स्कोर है या जो आपकी परसेंटेज है, जो आपके सामने एक यू नो रिजल्ट के फॉर्म में आपके सामने होते हैं, तो उस टाइम पर आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी स्पेशली एक कन्फ्यूजन रहती है कि सर अब नेक्स्ट करियर में आगे इसको एक अच्छा करियर सेट करने के लिए ऐसा कौन से सब्जेक्ट से आगे पढ़ाएं, ऐसे कौन से यू नो स्ट्रीम इसको दिलाएं, चाहे वो 10th का स्टूडेंट जैसे 11th में जा रहा है या 12th का अगर ग्रेजुएशन कर रहा है, तो इसको क्या स्ट्रीम से मतलब हम ग्रेजुएशन कराएं, इसको BA कराएं, BCom कराएं, BSc कराएं, BBA कराएं, BTech कराएं, टेक्निकल कराएं, या फिर क्या, एक कन्फ्यूजन रहती है। और ये स्टूडेंट्स के सामने भी कन्फ्यूजन रहती है और पेरेंट्स के सामने भी रहती है। और जब आप इसके बारे में पूछने जाते हो तो हर कोई आपको अलग अलग इसके बारे में गाइडलाइंस करता है, कोई आपको ये बोलता है ये सही है, कोई आपको ये बोलता है। बट माय डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से यही आज एक मैसेज दूंगा कि आप जो भी स्ट्रीम ले रहे हैं, अपना जो भी नेक्स्ट आप करियर में जो भी फर्दर स्टडी के लिए आप आगे स्टडी करना चाह रहे हैं या जो भी आप एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट योर इंटरेस्ट। पहले अपना इंटरेस्ट एरिया देखिए, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। सेकंड, आपके गोल्स, आपके टारगेट्स कहाँ पे जाके मैच होते हैं। मतलब कई बार क्या होता है, हम एजुकेशन के टाइम पे तो उस टाइप का अपना कोई यू नो सिलेक्शन नहीं कर पाते कि हमें कौन सी स्टडी लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम से हमें पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारे आगे करियर बेटर हो सके। इस टाइम पे हम क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रीम ले लेते हैं, जिसने जो बोला, किसी के पेरेंट्स ने बोला, किसी के रिलेटिव्स ने बोला, किसी के टीचर्स ने बोला, और हम ले लेते हैं। आगे जाके हमें पता चलता है कि यार मैंने ये स्ट्रीम ना लेकर ये स्ट्रीम ली होती, मैंने ये स्टडी ना करके ये स्टडी किया होता, तो मुझे ज़्यादा मेरे फील्ड में या मेरे करियर में बेनिफिट मिलता। सो माय डियर व्यूअर्स, मैं आपसे यही बोलूँगा कि अभी आप जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जो आपको आगे करियर में बहुत दिक्कत पैदा करे। अभी आप क्या करें, पहले सभी फील्ड्स के बारे में, सभी स्ट्रीम्स, सभी डिफरेंट डिफरेंट एकेडमिक एजुकेशन या फिर जो भी ग्रेजुएट लेवल के जो भी डिग्री कोर्सेज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन बताइए, कलेक्ट कीजिए। आफ्टर 10th कौन कौन से टेक्निकल कोर्सेज हो सकते हैं, उनका क्या स्कोप है, उनको उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन गेट कीजिए। आफ्टर 12th हम क्या क्या स्कोप है, उन सब के बारे में पहले एक बार पूरी डिटेल एक इन्फॉर्मेशन गेट कीजिए। और आज की डेट में इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास गूगल एक बहुत अच्छा मीडियम है, या फिर आप किसी अच्छे काउंसलर से, कोई अच्छे टीचर से, या किसी ऐसे पर्सन से जो किसी फील्ड में अच्छा ग्रो कर रहे हैं, आप उनसे कंसल्ट करके एक पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि सब फील्ड में जाके
होता क्या है, क्या चीज़ हमें गेट होगा, क्या हमारा करियर डेवलप होगा। उसके बाद जब आप अपने गोल्स को देखें, आपकी लाइफ का पर्सनल पर्पज़ क्या है, आपका पैसन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका एम क्या है, पहले उसको आप उसको भी देखिए, फिर अपने इंटरेस्ट, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स के साथ साथ फिर अपनी एजुकेशन को मैच कीजिए, फिर उनका एक कॉम्बिनेशन बनाइए कि इस कैरियर, पर्टिकुलर कैरियर को अचीव करने के लिए, इस पर्टिकुलर कैरियर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके बाद हमें फिर उसका सिलेक्शन करना चाहिए। सो ये एक ऐसा टाइम होता है जब हर एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। सो मैं आप सभी स्टूडेंट के सामने एक छोटे से वीडियो के साथ लाइव आया हूँ कि आप इस तरह की मिस्टेक्स ना करें इस टाइम पे सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स और सिलेक्शन ऑफ एजुकेशन, कि जो आगे जाके आपको आपके करियर में दिक्कत पैदा करे। और दूसरी बात एक और ये बताता हूँ कि वैल्यू हर किसी एजुकेशन की, हर किसी स्ट्रीम की, हर किसी सब्जेक्ट की वैल्यू सेम होती है। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उस सब्जेक्ट को या उस स्ट्रीम को, उस चीज़ को किस वे में हम लर्न करते हैं, किस वे में हम उसको हम उसमें क्वालिफाइड होते हैं, क्वालिफिकेशन हम किस वे में गेट करते हैं, राइट। उसके अलावा आप सबको ये बोलूँगा कि एजुकेशन के साथ साथ अदर इम्प्रूवमेंट आप क्या अपने अंदर कर सकते हैं, आप कौन से स्किल्स को डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें एजुकेशन के साथ में आज की डेट में बहुत कंपलसरी हैं, ऐसे टेक्निकल और ऐसे एजुकेशनल चीज़ों को भी आपको इम्प्रूव करना चाहिए जो आपको आगे आपके करियर में काफ़ी हेल्प करती हैं। सो आप सभी स्टूडेंट से यही बोलूँगा कि अभी जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है और उस पर बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं व्यक्त करना है। अगर आपके बहुत ज़्यादा परसेंटेज आई हैं तो ऐसा भी मत सोचिए कि अब आपसे अच्छा कोई है ही नहीं है, आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं धरती पे। और अगर आपकी कम परसेंटेज है तो अपने आप को इतना भी डिमोटिवेट ना करें, इतना भी नेगेटिव फील ना करें कि आप नहीं अचीव कर सकते हैं। आप अपनी नेक्स्ट क्लास में, अपनी नेक्स्ट स्टडी में अपना और हार्डवर्क कीजिए, डेफिनेटली आप भी अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अच्छी परसेंटेज से, अच्छे मार्क्स से अपनी क्लास को पास किया है, उन सभी से भी ये कहूँगा कि एक्चुअल मार्क्स आपके प्रैक्टिकल वर्क पे दिखाई देता है कि इन फ्यूचर आप अपने करियर में कितना ग्रो करते हैं, कितना सक्सेस अचीव करते हैं, और क्या आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल आपकी सक्सेस या एक्चुअल ग्रोथ तब आपकी पता चलती है। सो आप सभी स्टूडेंट से यही बोलूँगा कि विदाउट एनी कन्फ्यूजन सही तरीके से सिलेक्शन कीजिए अपने नेक्स्ट एजुकेशन करियर का। पहले एक रोड मैप तैयार कर लीजिए अपने कंप्लीट करियर का कि आपको अगले शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इन थ्री टर्म्स में अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को आप कैटेगराइज करके उनका एक मैप तैयार कीजिए कि अगले वन ईयर, टू ईयर बाद आपको क्या करना है, फाइव ईयर्स में क्या करना है, नेक्स्ट 10 ईयर में आपको क्या करना है, और एक होल अल्टीमेट आपकी लाइफ का क्या गोल है, इसके बेस पे आप अपना एजुकेशन फील्ड सेलेक्ट कीजिए, अपने स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए और एक बड़े टारगेट के साथ मैदान में उतरिए। एंड यू विल डेफिनेटली बी a successful person in your life and you will definitely achieve your all dreams and your all goals of your life. So and if you need any kind of career related information, so you can also contact to me at 9911714752 and I will try to provide you all the required information about your career, your education as well as my possibilities. Thank you and wish you all the best and take care.